हैं। और अभी कल दिनेश प्रताप सिंह जी जो कांग्रेस के एमएलसी हैं, कांग्रेस के रहमो करम पर जीते हैं, इन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, प्रियंका गांधी जी का अपमान किया है। इन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, जिले उत्तर प्रदेश के 75 जिले में कोई भी महिला जिला अध्यक्ष नहीं है। तो हमारा तो ये कहना है कि दिनेश प्रताप सिंह पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, उनको धरातल का कोई ज्ञान नहीं है, इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। अभी जो रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी, कांग्रेस नेतृत्व ने उनको उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस से वो विधायक बनी और कांग्रेस से वो मंत्री बनी। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तमाम जिलों में कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष हैं, दलित महिलाएं, निर्मला पासवान को ले लीजिए, कानपुर के उषा रानी कोरी को ले लीजिए, और इस तरह के तमाम जिलों में महिला जिला अध्यक्ष हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह पूरी तरह से मानसिकता खो चुके हैं। रही बात रायबली जनपद की, तो रायबली जनपद में संगठन में हमारे ब्लॉक खीरो की महिला ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किया है और करती चली आ रही हैं। और कांग्रेस से विधायक जैसे आराधना मिश्रा मोना, वो विधायक हैं। कांग्रेस से सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी पहले, उसके बाद वो राज्यपाल बनी। सुचेता कपरानी कांग्रेस से थी, उनको उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने। इस तरह की तमाम महिलाओं का सम्मान, प्रतिभा पाटिल जी को ले लीजिए, प्रतिभा पाटिल जी कांग्रेस संगठन में काम कर चुकी हैं, वो राष्ट्रपति बनी कांग्रेस से। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जो मुंबई में राष्ट्रीय महासचिव थी कांग्रेस पार्टी में। देखिए, पहले तो एक एक जिले की महिला की तरफ से मैं अपनी नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने 40% आरक्षण महिलाओं को देके हम महिलाओं के हाथों को मजबूत किया है। और प्रियंका गांधी वाड्रा जी के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो मैं क्या एक एक रायबली की महिला बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के रहमो करम पे पलने वाले आज उन्हीं के ऊपर अगर उंगली उठाते हैं तो पहले वो अपने आप को देखें। साक्षात प्रमाण मैं उनको देना चाहती हूँ कि वो अपनी आंखें खोलें। सुमन सिंह को देखें जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, अदिति सिंह को देखें जिनको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता ने ही उनको आज विधायक बनाया, उसके बाद महिला कांग्रेस का उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तीसरी चीज़ जो फिर देखें, हमारी सुनीता सिंह चौहान जी जो विधायक बनी और मंत्री तक पहुंची, और पूर्णिमा श्रीवास्तव की वजह से ही आज महिला चेयरमैन भी यहां की बनी। तो पहले तो चार प्रमाण तो यहीं के देख लें कौन झूठा है कौन सच्चा है। फिर दूसरी बात आती है कि स्पीकर मीरा कुमार जी, उनको बनाया, अभी आपने देखा राज्य मंत्री बनाया प्रशांत सिंह की वाइफ को। तो महिलाओं को कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे करती आई, राजीव गांधी जी ने ही महिलाओं को बीडीसी प्रधान बनाया था और उन्हीं की बेटी ये प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं जो उनके अधूरे सपने को पूरा कर रही हैं विधानसभा में 40% आरक्षण देके। मैं अपनी बात बताती हूँ, सबसे बड़ा प्रमाण मेरा कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी की उन्होंने मुझे इंटरव्यू लेकर उन्होंने मुझे संगठन सचिव बनाया, उसके बाद उन्होंने विजिलेंस अनुश्रमण समिति का पद जो अपने बगल में मुझे बिठाया सदस्य बना के, तीसरी बार उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। ये एक इतने बड़े प्रमाण हैं, उन्होंने महिलाओं को हमेशा आगे किया है। एक कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सम्मान देती आई।